हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया था, वाली एक्टिविटी, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें देख ली थी। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है तो थोड़ी सी आवाज़ में भी आपको डिफरेंट लगेगी। तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्लोरीन का क्या होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी कितनी होगी। तो देखो, 17 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। 17 है तो इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे, देखो 2, 8 और 7। कैसे, क्योंकि के क्या होता है, के एल एम ये शेल्स होती है ना, तो के शेल में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और एम तो फिर और आगे बढ़ जाता है, राइट। तो अब देखो, के में 2 आ गए, एल में 8 आ गया, और टोटल इसके कितना था, एटॉमिक नंबर 17, तो 2 + 8 हो गया 10, और फिर बाकी बचा 7, तो 7 यानी कि इसमें अब 8 आ सकते हैं, एम में भी 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो यानी कि एक इसका खाली बचा हुआ है। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि एम वाली शेल में 8 आ सकते हैं बट हैं इसमें 7, यानी कि इसको जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो भाई फिर अब ये क्या करेगा उसके लिए, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। इतना हो गया हमारा, अब उसको अटेन करने के लिए क्या करेगा। तो क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2, तो डायटॉमिक Cl2 यानी कि 2 Cl आपस में जुड़ जाते हैं और डायटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। डाई मीन्स 2, 2 Cl जुड़ जाते हैं। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका देखो इस तरीके से ऐसे करके बन जाता है, Cl ऐसे करके, ठीक है, Cl ऐसे करके, जैसे ये बना हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, ऐसे इसको ऐसे करके जोड़ देंगे और इसको इस तरीके से ऐसे करके हम लोग इसको जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे करके बन जाता है इसका, ये Cl है, ठीक है, Cl। तो ये हमारा क्या, नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से मतलब ऐसे करके करेंगे, Cl डॉट भी लगा देंगे, डॉट लगा देंगे इधर Cl, तो ऐसे करके और ऐसे करके इस तरीके से ये बन जाएगा। इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो अब ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो भाई ऐसा कैसे वो करता है। अब अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोचिए सोचिए, अगर आप लोगों को पता है तो, यहाँ पर अभी भी देखा था हमने, 8 होता है, ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो 8 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2 और 6, तो के ये वाला है शेल और ये वाला एल है, तो एल शेल में इसके पास तो 6 है, यानी कि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 और चाहिए, क्योंकि 8 चाहिए होते हैं, तो अब इसको 2 चाहिए। अब 2 चाहिए तो ये किस तरीके से बॉन्डिंग बनाता है, देखो इस वाले ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वाले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ऐसे करके ऑक्सीजन था ये, इसके 2 इसने यहाँ पर थे इसके, और 2 इसके यहाँ पर थे, ठीक है, तो 2 इसके हो गए, बट इसके पास तो 6 हैं, तो 6 के 6 हमें डिपिक्ट करने पड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4 ये वाले 3, 4 और 5, 6, ऐसे ही इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये शेयरिंग सिर्फ इन दोनों की करेगा, देखो तो ऐसे करके बनेगा ये, इसको ऐसे करके ये ऐसे करके जोड़ लेगा इससे, और ये ऐसे करके इससे जुड़ जाएगा। तो ऐसे करके इसकी डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स हम लोगों के ऐसे देखो यहाँ पर बन जाएंगे, जैसे इसमें हमें बनाया हुआ दिख रहा है, ऐसे करके जो बीच वाला शेयरिंग वाला होता है ना, इसमें हम लोग बना देते हैं जो जुड़ रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिपिक्ट कर देंगे। तो इसको क्योंकि 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब किससे लेगा 2, तो ये आपस में ही बॉन्डिंग कर लेते हैं डबल बॉन्ड लेकर के। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस स्ट्रक्चर शोन इन द 4.3 में स्ट्रक्चर जो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड
बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो क्या है इसमें देखो, टू इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन. तो देखो दो इसने दिए हैं, दो इसने दिए हैं. बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहाँ पे देखो इन दोनों की यहाँ पे ऐसे करके शेयरिंग हो रही है. दिस इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. सो कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन वन ऑक्सीजन. तो देखो एक ऑक्सीजन और वाटर क्या होता है, H2O, ये वाटर होता है. तो ये वाला इनकी ना जो डिपिक्शंस है, इसके लिए ना मैं पूरी एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगी. अभी हम लोग ना यहाँ पर इसका चैप्टर का पढ़ लेते हैं कि H2O किस तरीके से बॉन्डिंग होती है. ये सारे के सारे आप लोगों को बनाने भी बहुत अच्छे से सिखाऊंगी मैं आगे आने वाले वीडियो में. तो अभी हम यही देखते हैं कि वट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जिसका एटोमिक नंबर 7 है. तो देखो एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 5, राइट? क्योंकि ये वाला के वाले में 2 आते हैं और इस वाले में 8 तक आ सकते हैं एल में. तो इसमें क्योंकि 7 था तो 2 और 5 हो जाएगी. अब 5 है अगर, तो देखो नाइट्रोजन का ये देखो नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड. नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे. अभी ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना रहा है, ये तो हमें समझना चाहिए. ट्रिपल बॉन्ड ये इसलिए बना रहा है क्योंकि देखो इसके एल शेल में कितने और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3. तो 3 और इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है ना, तो या इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है. क्योंकि एल को अगर हम लोगों को क्या करना है, अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है तो इसको 3 और की ज़रूरत होगी. तो 3 और की ज़रूरत होगी इसीलिए ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, इसको 3 और चाहिए होंगे ताकि इसकी ऑक्टेट फिल हो जाए और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, इसलिए ये 3 पेयर बना रहा है. इट इज़ सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड का ऐसे करके हमें बना हुआ दिख रहा है. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनाओ नाइट्रोजन का. तो अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ फॉर्मूला NH3. तो अमोनिया का जो फॉर्मूला है, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी कि एक इसमें है नाइट्रोजन और 3 है इसमें हाइड्रोजन. तो किस तरीके से, अब ये NH3 का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में, मतलब लास्ट में ना, मैं जब इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी आप लोगों को, तो हम लोग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस किस के, एक तो हम लोग को इसका H2O का देखना है, फिर उसके बाद हमें इसमें NH3 का, तो H2O, NH3 ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे. ठीक है, तो इसके ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे. तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 7 है. ठीक है, NH3 की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर. तो अब नाइट्रोजन के पास इस तरीके से 3 है और यहाँ पर इसके पास 2 हैं. अब हाइड्रोजन क्या है, 3 है. ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो सबके पास एक एक इस तरीके से बन रहा है. तो यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास बनेगा. क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 हो जाएंगे और इधर से ये हाइड्रोजन के, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है, तो ये जो है ना पूरी की पूरी शेयरिंग इसमें ऐसे करके हो जाएगी. ऐसे करके इसकी इस तरीके से ये बन जाएगा. ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, अच्छे से इस रफली ऐसा ही बनेगा, रफली का मतलब ऐसे ही बनेगा. ये हो गया. तो सच बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब आप लोगों से पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं. तो देखो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. तो बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग के बाद जो बनते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. तो जो बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग की वजह से एटम्स के, वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द मॉलिक्यूल बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक. तो देखो कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं उनके
मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इनके बॉन्ड्स तो स्ट्रॉन्ग होते हैं मगर इनके जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के बीच की, इनके जो कोवलेंट, जैसे हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड में देखा था ना, तो आयनिक बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स की फोर्स होती है ना आपस में वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बट कोवलेंट बॉन्ड में वीक होती है। इसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स का काफ़ी लो होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं इनके जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म, कोई भी चार्ज पार्टिकल तो इसमें फॉर्म होते नहीं हैं क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही है। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें चार्ज पार्टिकल माइनस प्लस होते हैं मगर इसमें क्या होता है, इसमें तो शेयरिंग हो रही है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है ना वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये अच्छे से ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अब कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स हैं इसका मतलब होता है कि जो इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्सटेंस बनते हैं। तो एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर, कार्बन अलग अलग फॉर्म में नेचर में हम लोगों को देखने को मिलता है और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। बोथ डायमंड और ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स, द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। तो देखो चाहे कार्बन, कार्बन के कई कई सारे फॉर्म होते हैं, चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है और डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ है, सब कार्बन के बने हैं मगर कार्बन की बॉन्डिंग जो है ना इनमें बस वो डिफर कर जाती है। अगर हम लोग डायमंड की बात करें, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो कार्बन, अगर हम लोग डायमंड की बात करें तो हर एक कार्बन का एटम जो है वो चार कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ होता है, किसमें, डायमंड में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखो इसमें क्या है कि एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसके जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सॉरी मेरा गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज। ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन का एटम तीन कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ होता है, इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, तो इस तरीके से हेक्सागन इसका बन जाता है। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, बट कार्बन की वैलेंसी सब में सेटिस्फाई हो जाती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर, तो इस तरीके से लेयर्स में ये बनता है। अब ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फुलरेंस, बकमिंस्टर फुलरेंस भी कार्बन होता है और इस तरीके से देखो कैसे कैसे ये जुड़ा हुआ है। दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी अलग होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, है ना, डायमंड बहुत हार्ड होता है और ग्रेफाइट बिल्कुल स्मूथ और स्लिपरी चिकना चिकना होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर, तो ग्रेफाइट जो है काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और नॉन मेटल्स तो नहीं होते बट ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज काफ़ी अलग अलग हैं। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो डायमंड पे आप बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा सकते हो। डायमंड्स दी सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स, तो डायमंड पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के उसकी कटिंग कर देते हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी इस पर लगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाया जा सकता है और बहुत ही छोटे छोटे डायमंड जो कि रिंग में पहने जाते हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फुलरेंस जो है वो अदर फॉर्म है कार्बन के एलोट्रॉप, एलोट्रॉप का मतलब है अलग अलग कार्बन की फॉर्म होती हैं, क्योंकि जैसे कि डायमंड में हमने देखा एक कार्बन चार से जुड़ा है, ग्रेफाइट में हमने देखा एक कार्बन जो है वो तीन अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60 विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, तो बकमिंस्टर फुलरेंस देखो बिल्कुल ऐसा कर लग रहा है जैसे कि फुटबॉल की शेप का ये पूरा का पूरा बना हुआ हो। सिंस दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन बाई US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द मॉलिक्यूल वॉज नेम्ड फुलरेंस, तो फुलरेंस का नाम इसको C60
बकमिंस्टर फुलरेंस दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से इसकी फुटबॉल की शेप यहाँ पर बन गई है। अब यहाँ देखो ये कार्बन एटम एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है इस तरीके से। मगर यहाँ पे देखो इंटरलिंकिंग कितनी ज़्यादा गजब की है, ऐसे ऐसे करके जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 5 करके पेंटागन टाइप का बन रहा है। और इसके देखो पेंटागन बन रहा है, कहीं पर हेक्सागन बन रहा है इस तरीके से। देखो कैसी मतलब इसकी मिक्सिंग है, तो बकमिंस्टर फुलरेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलोटॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में देखा। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कल आई गेस मैं सोच रही हूँ कि पहले इसकी ना इनटेक्स्ट एक्सरसाइज और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देख लेते हैं सारे के सारे, आपको और अच्छे से फिर हेल्प मिलेगी। थैंक यू। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू।